बारिश में अगर पकोड़े मिल जाए तो फिर क्या बात। देखिए यहाँ पे हो रही है बारिश और शाम हो गई है, तो फिर क्या कहना। तो फिर बारिश में चाहिए गर्मा गर्म पकौड़े। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। यहाँ पे मैंने ले लिया है पोटैटो। पोटैटो को मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया है। तब तक हम बना लेते हैं बेसन का डो। यहाँ पे मैंने 3 बाउल बेसन ले लिया है, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी। यहाँ पे मैं और कोई भी मसाला नहीं डाल रही हूँ। और फिर 1 ग्लास वाटर डालकर मैं अच्छे से बिना लम्स के बैटर को रेडी कर रही हूँ। अच्छे से हमें लिक्विड फॉर्म में इसे बना लेना है। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास वाटर ले लिया है, लेकिन और भी हमें पानी चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं 1.5 ग्लास वाटर और ले रही हूँ। बिल्कुल ही हमें बिना लम्स के या स्मूथ स्ट्रक्चर वाला बैटर बनाना है। देखिए इस तरह से, ज़्यादा ठीक हमें नहीं चाहिए, इसीलिए आप इसे अच्छे से मिलाइए और इस तरह से आटे को रेडी कर लीजिए। देखिए हमारा जो बैटर है वह अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस करने के लिए रख देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेड की स्लाइस और फिर मैं इसे बीच से कट कर रही हूँ। आप बिना काटे भी इसे ऐसे भी बीच में स्टफिंग को डालकर फिर दूसरी स्लाइस ऊपर रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से काट कर जो शेप में ब्रेड पकौड़ा होगा वो मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं इसे बीच में से इस तरह से काट रही हूँ। अब हमारे पोटैटो भी बॉईल होकर रेडी है, तो हमें ऊपर से छिलके निकाल देने हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पोटैटो ले लिए थे, आप कोई भी पोटैटो ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मुझे ऊपर से सारे छिलके निकाल कर साफ कर लेना है और फिर इसे रेडी कर लेना है। दूसरे बर्तन में डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है मसाले के साथ। यहाँ पे कुछ लोग ऑनियन भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑनियन नहीं डालूँगी, बस सिर्फ पोटैटो से ही मावा को रेडी करूँगी। देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे से यह मिक्स हो जाए फिर हमें इसमें डालने हैं थोड़े से मसाले। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं मिर्च का मसाला ऐड कर रही हूँ। ग्रीन मिर्ची, हल्दी, अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और फिर लेमन। यहाँ पे आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मैंने धनिया डाल दिया है और कोई भी मसाला मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप कोई भी मसाला पसंद करते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। देखिए इस तरह से हमें मसाले को अच्छे से पोटैटो में मिक्स कर लेना है, तो हमारा जो स्टफिंग है वह बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से सारे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। तो फिर हम लेते हैं ब्रेड की स्लाइस और ऊपर डालते हैं स्टफिंग। इस तरह से आप हाथों की मदद से अच्छे से इसे डालकर रेडी कर सकते हैं। और दूसरी स्लाइस जो है इसके ऊपर हमें डालकर अच्छे से हल्के हाथों से हमें इसे दबाकर रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से जो हमारी स्लाइस है वह अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी ब्रेड पकौड़ा बनने के लिए। यहाँ पे आप ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड की स्लाइस के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाल रही। देखिए इस तरह से आप स्टफिंग को डालकर अच्छे से इसे हाथों से, हल्के हाथों से आप इसे अच्छे से दबा लीजिए। यहाँ पे मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, तो मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे जो मैंने बेसन का आटा बनाया हुआ है उसमें मैं डालकर इसे रेडी कर लूँगी। यहाँ पे बैटर हमारा अच्छे से बनकर रेडी है, तो फिर हम पकौड़ा को
बैटर में भिगोकर फिर ऑयल में डाल देंगे। दोनों तरफ से हमें अच्छे से इसे पका लेना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से पकौड़ा जो है वो अच्छे से पक जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो ब्रेड है और जो बेसन है वह अच्छे से ऑयल के अंदर जाने के बाद वह पक जाता है और उसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। देखिए पकौड़े का कलर जो है वह अच्छे से आ गया है। हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वह आसानी से बनकर रेडी हो गया है। यहाँ मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना कट के। देखिए हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वह बनकर रेडी है। आज है बच्चों की डब्बा पार्टी ट्यूशन में, तो मैं उनके लिए डब्बा पैक कर रही हूँ केचप के साथ। देखिए इस तरह से मैं टिफिन में पकोड़े को डालकर फिर केचप डालूँ और फिर साथ में बच्चों को ग्रीन चटनी के, बच्चों को ज़्यादा ग्रीन चटनी पसंद नहीं रहती, तो फिर यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसे केचप। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, तो फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया और फिर बहुत सारी कड़ी पत्ता की पत्तियाँ जो छोटी वाली होती है, और फिर 1 टेबल स्पून नमक, 2 हरी मिर्च और फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ पुदीने की पत्तियाँ और थोड़ा सा पानी और लेमन। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। देखिए हमारी चटनी बन गई है, तो फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून कर्ड। आप बिना कर्ड के भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारा पकौड़ा बनकर रेडी है, तो फिर मैं इसे बीच में से कट कर रही हूँ और फिर इस तरह से जो मेरा पकौड़ा है चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। आप होममेड घर पे ही ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं चटनी या केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बच्चों को यह बहुत ही पसंद आता है, तो आप ज़रूर से बनाइए और ब्रेड पकौड़ा के मज़े लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि ये सब फ्री में है। नई रेसिपी के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।